हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए व्रत की फलाहारी थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस थाली में मैंने लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई है, खीरे का रायता बनाया है और आलू का हलवा बनाया है। उसी के साथ साथ कूटू की पूरियाँ भी बनाई हैं। हार्डली आप इसे 40 से 45 मिनट में बना लेंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लौकी आलू को काट लिया है, उन्हें अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। तो मैंने हरी मिर्चों को काट लिया है बारीक और छोटे से अदरक को ग्रेट करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया, उन्हें अच्छे से धो के बारीक चॉप कर लिया है। उसी के साथ साथ मैंने आधे नींबू का रस निकाल लिया है कटोरी में, उसे हम बाद में डालेंगे। और मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, और काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने थोड़ा सा, तो वो हम टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे अपने अपने। और ये देसी घी है, तो आज हम सारा खाना देसी घी में बनाएंगे क्योंकि ये व्रत का खाना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस को ऑन करके कुकर रख लिया है, और जैसे ही कुकर गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और जैसे ही देसी घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे हल्का सा जीरा भुन जाएगा तो 1 चम्मच भर के मैंने कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल दी है, और उसी के साथ आधा चम्मच मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। अब करछी की मदद से इन सबको मिक्स कर लेंगे, और जैसे ये 1-2 सेकंड के लिए भुन जाएगा तो हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। जो हमने काट के रखी है वो सारी सब्ज़ी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी इसमें डाल दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो मैंने आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अच्छे से चमचे की मदद से इन सबको मिक्स कर लीजिए, जिससे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद आप कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और 2 से 3 सीटी इसमें लगा लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद, और 2 से 3 सीटी आने के बाद मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद। अब 5 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी कुक हुई है या नहीं। तो 5 मिनट बाद देखते हैं ढक्कन खोल के। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है पहले से ही। और उसके बाद हम डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ धनिया। तो आप यहाँ पर खूब सारा धनिया डाल दीजिए, और धनिया डाल के इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। तो बस हमारी सब्ज़ी तो यहाँ बनके रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया जो मैंने निकाल के रखा था। आप यहाँ पे रस बढ़ा सकते हैं या आप यहाँ पे आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4-5 आलू ले लिए हैं। इन आलुओं को मैं हलवे में यूज़ करूँगी, आज हम आलू का हलवा बनाएँगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की जो मोटी साइड होती है उसी से आपको आलू ग्रेट करने हैं। तो देखिए उसकी मदद से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी तो उसमें हम 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इस कढ़ाई में पहले से ही 2-3 चम्मच घी था, तो उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ हलवा, उसमें और थोड़ा सा मैंने घी बढ़ा लिया था। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले हम अपने इसमें ड्राई नट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आपको यहाँ हल्का ही भूनना है, इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो मैंने काजू और बादाम दोनों को एक साथ डाल दिया है, और गैस की फ्लेम कम कर दी है। और इन्हें हल्के भूनने के बाद थोड़ी सी किशमिश भी मैं इसी में डाल दूँगी। इसे भी 1-2 सेकंड के लिए चला लेंगे, और फिर उसके बाद सभी को निकाल लेंगे। तो देखिए ये मोस्टली हो ही चुके हैं, अब बस इनको मैं निकाल लूँगी। तो निकाल के मैंने इन्हें बोल में डाल लिया है। बस इस तरह आप निकाल लीजिए। और जो ये घी बचा है अब इसमें हम बनाएंगे हलवा। तो मैंने कटोरी से मेज़रमेंट कर लिया था, ये 2 कटोरी आलू है मेरे। तो 1 कटोरी आलू मैंने अभी डाल दिए, और 1 कटोरी मैं अब डाल रही हूँ। तो 2 कटोरी आलू का हलवा बनाएंगे हम। आलू डालने के बाद आप स्पैचुला या करछी की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलूओं को खूब भूनना है आपको यहाँ पर घी के साथ। गैस को आप थोड़ा सिम कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन आलुओं को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा हलवे का टेस्ट आएगा। तो बीच बीच में इस तरह मैं 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच इसमें घी डालती जा रही हूँ, और इन्हें अच्छे से भूनती जा रही हूँ। क्योंकि सबसे मेन काम जो होता है वो इसे आलुओं को भूनना ही होता है इस हलवे में। तो आप जितना अच्छे से भूनेंगे इसे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो
तो उसी के साथ यहाँ पे बीच में मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, जिससे खुशबू एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी इसमें। तो बस इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से खूब भून लिया है। अब देखिए आप, आलू का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ने लगा है। तो बस उसी के साथ मैं यहाँ पे 1/4 कप चीनी ली है मैंने यहाँ पे, और इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। एक साइड मैंने आलू कर दिया और एक साइड कर दी मैंने चीनी। चीनी को अच्छे चलाते हुए पका लेंगे। तो इसका देखिए आप यहाँ पे कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा ये, आप इन्हें आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। इस तरह अगर आप हलवा बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बस आप इन दोनों को अच्छे से चलाते रहे कंटिन्यू। चीनी मिलाने के बाद ये हलवा थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी इसके साथ मेल्ट हो रही है, पर 2 से 4 मिनट में ये फिर से थिक हो जाएगा। तो देखिए अब इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, और काफ़ी थिक भी हो गया है पहले से। तो बस चलाते रहिए आप इसे अच्छे से। ऑलमोस्ट हमारा हलवा बनके रेडी होने ही वाला है। तो बस चलाते चलाते मैंने इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट खूब भून लिया था अच्छे करके। उसके बाद मैं इसमें ड्राई नट्स डाल दूँगी जो मैंने भून के रखे हैं। तो उन्हें डालने के बाद आप अच्छे से दोबारा से एक बार और चला दीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट एकदम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना सॉफ्ट बना है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। तो एक बार आप इस हलवे को ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस हलवा हमारा बनके तैयार है, इसे ढक लेते हैं। तो इसे भी कर लीजिए आप सर्व। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है हमारा हलवा। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। हलवा तो बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। आगे मैंने लिया है एक खीरा, क्योंकि हम बनाएंगे खीरे का रायता। तो मैंने उसे काट लिया है एक साइड से थोड़ा सा, जहाँ से वो कड़वा निकलता है। फिर छीलने वाले चाकू की मदद से उसे छील लिया है, और छील के मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। उसके बाद हम इसे कर लेंगे ग्रेट। ग्रेट करते समय आप ध्यान रखें कि ग्रेटर के मोटी साइड से आपको इसे ग्रेट करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो बस उसे ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है दही, ये दही 2 कटोरी है घर का जमाया हुआ है बिल्कुल फ्रेश। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, और मैश करने के बाद हमने जो खीरा कस के रखा है वो सारा खीरा हम इस दही में डाल देंगे। खीरे को दही में डालने के बाद आप एक स्पून की मदद से उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीरे और दही को अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1/2 से 1 चम्मच आप इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। इन दोनों को डालने के बाद मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा ही डाला है मैंने, बस मिक्स कर दीजिए। तो लीजिए आपका खीरे का रायता भी एकदम तैयार है, व्रत में खाए जाने वाला, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे कूटू के आटे की पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने इस कटोरी से नाप के 2 कटोरी कूटू का आटा ले लिया है, और इसी के साथ इसी कटोरी से नापते हुए मैं पहले यहाँ पे 1 कटोरी आलू डालूंगी। इन्हें भी मैंने अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हरे धनिया की पत्तियाँ। इन सबको डालने के बाद आप अपने हाथों की मदद से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। आपको यहाँ पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, आलू में ही इसे अच्छे से मैश करना है। तो मेरे पास आलू और बचे थे, तो 1 कटोरी भर के आलू मैंने और डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है और 2 कटोरी ही आलू। उसके बाद मुझे थोड़ी ज़रूरत लगी तो मैंने हल्का हल्का पानी डालते हुए इसका एक नरम सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिए, पहले आप आलू में इसे मिक्स कीजिए, और अगर आपको ज़रूरत लगे तभी आप पानी इसमें डालिए, वरना आप पानी स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना लिया है, और दोनों हाथों से अच्छे से इसे खूब मैश कर लिया है, जिससे हमारा डो एकदम चिकना हो जाए और हमारी पूरियाँ एकदम फूली फूली बने। तो आज मैं आपको पूरियाँ बनाने की एक ट्रिक बताऊँगी, जिसकी वजह से आपकी पूरियाँ बिल्कुल गोल और फूली फूली बनेंगी, और अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपकी पूरियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है हाथों पे, और उसे आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे आटा बिल्कुल ना चिपके। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा तो एकदम रेडी है 10 मिनट रेस्ट के बाद। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी पूरियाँ। आटा भी पूरी तरह सेट हो चुका है, तो
तो एक स्पून की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा आटा लेती रहूँगी और इनकी गोल गोल बॉल्स बना लूँगी पहले, और हाथों से दबा के इनकी परफेक्ट लोइयां बना लूँगी। लोइयां एकदम चिकनी बननी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत चिकनी और बनी है हमारी लोई, और आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है, लोई बिल्कुल भी नहीं फट रही है, बहुत अच्छी लोई बन के तैयार हुई है हमारी। तो देखिए ऐसे आप लोइयां बना लीजिए। फिर एक चकला लेंगे हम, चकले के ऊपर हमने रखी है एक पॉलीथीन मोटी थोड़ी सी पन्नी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, तो बस पन्नी पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और लोई उसके ऊपर रख दी है। तो दूसरी साइड से पन्नी उसके ऊपर पलट ली है, और आप ढक्कन या फिर किसी भी कटोरी की मदद से इसे कर दीजिए प्रेस। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ना तो चकले पे चिपकेगी और ना ही बेलन पे, और इसे उठाना भी बहुत आसान होता है। तो देखिए फटाफट से मैंने इसे उठा लिया और एक प्लेट में रख दिया। तो इसी तरह मैं 3 से 4 पूड़ियाँ बना लूँगी, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। इस तरह आपको बेलन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से पूड़ियाँ बन गई हैं। तो चलिए इन्हें चलते हैं अब सेकने की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने, उसमें तेल भी डाल दिया है और वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक छोटी सी बॉल बना के डालेंगे आटे की, ये चेक करने के लिए कि हमारा ऑयल हुआ है या नहीं। तो जैसे ही ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा तब आपको उसमें पहली पूड़ी उठा के डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी एकदम फटाफट पूड़ी के ऊपर आ गई है, और कहीं से भी बिल्कुल भी कोई पूड़ी आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी, ये गारंटी देती हूँ मैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो सारी पूड़ियाँ आपकी फूल फूल के ऊपर आएंगी गुब्बारे की तरह। तो आप ये ट्रिक एक बार ज़रूर अपनाएं। तो बस देखिए दोस्तों, इसी तरह अलटते पलटते मैं तेज़ गैस पे सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी भी अच्छे से फूल गई है। तो बस इसी तरह मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ कर ली हैं फ्राई, और धीरे धीरे करके इन्हें प्लेट्स में निकालती गई हूँ। पूरी बनाने का ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीका है। अगर आप बेलन से बनाएंगे तो कभी कभी चिपक जाती है, वो उठती नहीं है, टूट जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर अगर आप पन्नी की मदद से ऐसे बनाएंगे तो सारी पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी। तो देखिए पूड़ियाँ बनके तैयार है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो बस हमारी थाली भी पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं।